हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल यूपीएससी स्टडी बाय अजय मिश्रा। सो टुडे टॉपिक जो फर्स्ट टर्म, ये एसएससी चाहे बोर्ड हो या सीजीएल हो, यहाँ से एक तो क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट टर्म क्या है, बाकी आप लोग जानते हैं, सब फॉर्मूला मैं दिखा दिया हूँ। तो फर्स्ट टर्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन एक तो बनता है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पे एल लगेगा आपको हाइपोटेन्यूस का जो पाइथागोरस ट्रिपल है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर इवन नंबर है, पाइथागोरस ट्रिपल कैसे लगता है, ये है कोई भी एक छोटा भुजा आप ले लीजिए, हम लेता हूँ मेरा मर्जी छो, तो बाकी दो भुजा कैसे फाइंड आउट करेंगे। और से भी बता रहा हूँ, इवन से ही बता रहा हूँ, एक तो भुजा से हम आराम से इजीली बना सकता हूँ। तो क्या करना है, इसको जो है सो आधा कर देना है। तो छ को आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, तीन, तीन का स्क्वायर कितना होगा, नौ, नौ में एक जोड़ देंगे और नौ में एक घटा देंगे, तो नौ एक कितना हुआ, दस, और नौ में से एक गया तो आठ, तो आठ यहाँ पे हो जाएगा, दस यहाँ पे होगा। किसी भी इवेन नंबर से आप जो है सो पाइथागोरस ट्रिपल निकाल सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, आप निकाल सकते। एक तो और बता देता हूँ, कोई साइड ले लीजिए आपका, आप अपना छोटा साइड ले लीजिए, स्मॉलेस्ट साइड, जैसे यहाँ पे हम 4 लेता हूँ, तो 4 का आधा कितना होगा, 4 का आधा 2, 4 का आधा कितना होगा, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 ही होगा, तो 4 में 1 क्या करेंगे, 1 करेंगे और 1 घटा देंगे, तो ये 1 5 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो हम इस तरह से बना सकता हूँ पाइथागोरस ट्रिपल को, कोई भी छोटी भुजा से बना सकता हूँ। ये जानकारी देखो, ये फर्स्ट टर्म में या मेंसेशन में या कोई भी एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने को, अगर और नंबर है तब हम क्या करेंगे, और नंबर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा पाइथागोरस ट्रिपल है, 3 दे दिया, ये तो इवेंट में तो हम आधा कर दिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी वही है वैसे ही, लेकिन पॉइंट में आता है, 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को आधा करेंगे कितना होगा, 4.5, 4.5 होगा, तो एक तो 4 हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, हो गया खत्म काम। जैसे 13 वाला में कोई भुजा, पहले 13 का क्या होता है, 5 और 5 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 25 बाई 2 करते हैं, तो कितना होगा, 12.5 होगा, तो 12.5, तो 12.5 है ही, 12 का स्क्वायर नहीं, ये कितना होगा, 12.5, ठीक है, एक टू भुजा कितना हो जाएगा, 12, एक टू भुजा 12 होगा, तो दूसरा भुजा 12 है, 5 है, तो तीसरा भुजा, तीसरा साइड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि इसका जैसे ये भुजा निकल जाएगा तो तीसरा भुजा हमारा इजीली निकल सकते हैं। यहाँ पर ही वही कंसेप्ट था, 4 था, 3 था, तो ये 5, तो ऐसे 5.5 आएगा, 5 हम लिख दिए, लेकिन अगर दूसरा भुजा अगर मुझको पता चल जाए, तीसरा भुजा तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ ना। तो ये ऑड से इवन से हम जैसो पाइथागोरस ट्रिपल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट टर्म से, तो इस फर्स्ट टर्म के बारे में जानते हैं पहले। फर्स्ट टर्म होता है क्या, फर्स्ट टर्म जो है एक कोण का ही शेप है, कोण का ही शेप है, कोण का शेप है, और ये इस तरह से बाल्टी जिसको बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और हमारे एग्जाम में तो टाइम कम रहता है, तो इसीलिए जो है सो इसी को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको L बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, यही है फर्स्ट टर्म। अब इसी को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, इसलिए फर्स्ट टर्म ऑफ कोण बोला जाता है। फर्स्ट टर्म आया कहाँ से, तो कोण से आया, कोण मतलब शंकु से, बाल्टी से, जो बाल्टी जो हम ले जाते हैं,
क्योंकि बाल्टीन का ऊपरी भाग निचली भाग दोनों सेम नहीं रहता, बाकी जितना सारा सिलेंडर पड़े तो ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल सब कुछ सेम रहता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन को क्या बोला है, रेडियस रेडी रेडियस का ये पुलर है ऑफ द एंड्स ऑफ द फर्स्ट टर्म 40, मतलब हाइट हमको कितना, हाइट यहाँ पे लिख दे। बहुत सारा मैक्सिमम बच्चा क्वेश्चन को समझ नहीं पाता क्या कहना चाहिए, तो हाइट हमको कितना दिया है 45 सेंटीमीटर और पहला रेडियस तो R1 लिख लेते हैं, R1 कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर और दूसरा R2 कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम? ये चीज तो हमको डाटा दिया हुआ। अब हमसे जो जो पूछेगा हम फार्मूला के बेस से हम निकाल सकते हैं। पहला हमसे क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अब यहाँ पे R है L है R1 भी है L है तो हमको तो L तो निक चाहिए। ऐसे अब ये फर्स्ट टर्म का शेप बनेगा, फर्स्ट टर्म का शेप बनेगा तो यहाँ से इसका रेडियस है, यहाँ पे इसका रेडियस है, तो ये कितना है, ये है हमारा 28 और ये हमारा कितना है, ये हमारा सेम है और ये हमको निकालना है और एच हमको कितना दिया हुआ है 45। तो एल का फॉर्मूला आपको याद है या नहीं, याद रखना है। एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होता है एच स्क्वायर प्लस, ध्यान से कंसंट्रेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, पहले समझते हैं कैसे बनाया जाता है इस चीज को। और एक नंबर आपका फिक्स रहेगा इस क्वेश्चन से, पाइथागोरस ट्रिपल भी बताया, ऑड से भी कैसे बनाया जाता है, इवन से भी कैसे बनाया जाता है। तो एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, ये बहुत बच्चे को नहीं याद रखता फार्मूला बेस से, अगर हमको एल पता चल जाए तो सब कुछ हम निकाल दूंगे। तो एल क्या होगा, एच हमारा कितना है 45, 45 का स्क्वायर मुंह पर होना चाहिए, जैसे पांच डे 45 का स्क्वायर, पांच का भी डे तो 25 लिख देंगे, चार के आगे कितना है पांच, चार पंच 20, 35 का स्क्वायर बोल दे तो पांच लिख देंगे आंख बंद करके, तीन के आगे कितना है चार, या 1225। तो ये नियम आप लोग जानते हैं या नहीं जानते तुम्हें बता दिया। तो यहाँ पे कितना होगा 2025, कोई प्रॉब्लम? प्लस आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू तो यही भी माइनस कर लेता हूँ, 28 में 7 जाए कितना हो जाएगा 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बंधु बच्चे जो भी है, एल इजिकल टू इसको जोड़ेंगे कितना होगा, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 24, 5 एक 6, 4 2 6, 4 2 2400, मतलब कहने का सेंस ये क्या आ गया 2500 के लगभग में है। अगर एग्जैक्ट निकालने जाएंगे तो हमको आ जाएगा, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट नहीं निकालने जाते हैं तो हमको L कितना आएगा 50, मतलब 25 के करीब आएगा, 25 पकड़ लेता हूँ या 24 पकड़, 24.5 पकड़ सकता हूँ सर, 50 मतलब 2500 हुआ तो 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का, तो 50 का तो 50 हम एवरेज में पकड़ लेता हूँ, जब ऑप्शन रहेगा तो उसको हम देख लेंगे 19-20 कर देंगे, ठीक है, लेकिन बोर्ड के अनुसार से इसका पूरा स्क्वायर रूट हम निकाल देंगे। तो मैं भी समझा लेता हूँ, कंपटीशन के अनुसार से 50 पकड़ लेना है और नहीं तो हम बता रहे हैं कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। 2466 है तो बाबू तो ऐसे करके तुम ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, पेयर लगा दो। हाँ सर। तो यहाँ पे अगर चार रखता हूँ, चार चौका 16 हो जाएगा, पाँच हो 25 हो जाएगा, तो चार होगा, चार चौका 16 तो जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, चार चौका 16, चार चार आठ हुआ, 16 में से 8 हुआ,
अब यहाँ पे कितना रखे जो ये अगर एक रखते तो नहीं होगा, कटेगा भी तो नहीं, तो कितना कितना रखे, नौ दस, दस तो नहीं रख सकता हूँ, तो नौ रख के देखते हैं जो कितना आएगा। तो नौ वन इक्यासी के एक हाथ में एक, आठ नौ बहत्तर और आठ अस्सी, कोई प्रॉब्लम, नौ वन इक्यासी के हाथ में नोट है तो ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया, पैंसठ। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कितना होगा, नौ नौ अठारह, अंठानवे। अब यहाँ पॉइंट देंगे, अब पॉइंट देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल जीरो आएगा, एक टू जीरो नहीं आता, याद रखना है स्क्वायर रूट में डबल जीरो आता है, एक टू जीरो नहीं आता, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जितना जीरो, यहाँ यही पे मान लो 24 है, पॉइंट जीरो 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 पेयर में आता है, जो भी नंबर आता है पेयर में आता है, यहाँ पेयर में आया है ना, 66 पेयर में लिखा, ठीक है। तब यहाँ पे 98 को यहाँ पे कितना रखें ताकि लगभग में आ जाए, इसीलिए हम 50 एवरेज पकड़ लें, जैसे 49 आएगा तो कितना में जाएगा, ये चार रखते हैं तो नौ अठे बहत्तर, नौ आठ ज्यादा हो जाएगा, सात, सात रखेंगे छः, छः में जाएगा, पाँच छक्के चौवन, हाँ छः में जाएगा, तो 49.6 के लगभग में आएगा, एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं। तो ये हमारा हो गया, अगर बोर्ड के हिसाब से आप चलते हैं तो 49.6 आपका ये होगा, तो ये लगभग किसके बराबर है, 50 के बराबर है। कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो गया? हाँ सर। तुमको प्रॉब्लम कहाँ पे, एक बच्चा कहाँ प्रॉब्लम, तो एक ही टू जीरो चिपका रहता है, नहीं जब पॉइंट जब देंगे तो डबल जीरो आएगा, मतलब कितना जीरो, हाँ क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, पेयर उतरता है ना, तो ये हुआ बेसिक मेथड, लेकिन जब हम एग्जाम में बनाएंगे तो जस्ट इसको 50 एवरेज पकड़ लेंगे। अब जो फार्मूला सब है उसको देखते हैं, ये एल का फार्मूला तो सभी बच्चे को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो सीजीएल देंगे, एसएससी देंगे, बैंक देंगे, बोर्ड देंगे, सबके लिए एनएससीआर काम करेगा। और ये बहुत सारे टीचर बोलते हैं इसका ये कर दो वे कर दो, सभी का अपना अपना है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, जो बच्चा समझ लेगा वो इजीली क्रैक करेगा और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, अब हमसे क्या पूछा, सबसे पहले कर्व सर वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का भी फॉर्मूला याद रख लेना होगा, वॉल्यूम क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ वॉल्यूम 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, ये बहुत बच्चे को वॉल्यूम ही नहीं याद रख, फॉर्मूले नहीं याद, तो बनाए कहाँ से, और ये क्या है, कौन का ही है ना, 1/3 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 1/3 रख देते हैं, पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, एच हमको दिया हुआ कितना 45 लिखेंगे, और आर वन पहला आर कितना हमारा 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, वेरी गुड, और आर टू दूसरा कितना है 749, अब इस दोनों को गुना भी करना होगा तो 28 कितना होगा, 856 के छः हाथ में 5, 7 × 14 5, 14 × 5 = 19, 196 लिख दिए। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45 जोड़ो कितना होगा फटाफट, 1 0 1,000 इसको गुना कितना क्यों सर, गुना करके आपका, नहीं नहीं इसको जोड़ के कितना है, जोड़ के आएगा सर 1029 जैसा 1029 1029। अब ये जोड़ लिए, जोड़ने का भी तरीका है, 701 800 हो गया और बाकी हम जोड़ देंगे, वैसे जो जोड़ सकते हैं, तो ये आया, ये सात से कटेगा कि नहीं ये पहले चेक कर लो,
हम बताए थे सात का रूल, यहाँ पे नौ, नौ को दो से गुना करेंगे, सात का रूल समझ लो, ये 1029 है, बहुत बच्चा नहीं जानता है या जानता भी है, दो से नौ दो नौ कितना होगा, अठारह, अठारह इसमें से माइनस कर लेता हूँ तो कितना, बारह से आठ गया तो चार, ये क्या हो गया, नौ, नौ में से एक गया तो आठ, तो चौरासी तो सात से कट जाता है, बारह से चौरासी तो मतलब सात से जरूर कटेगा, तो कितना बारह कटेगा, सात एक सात तीन बचा, सात चौक अट्ठाईस, सात सौ उनचास, ये सात का रूल, तीन से भी ये कट जाएगा, तीन से काटेंगे कितना होगा, तीन चौका बारह, दो तीन नौ सत्ताईस, ये भी उड़ गया, अब इसको गुना कर देंगे, अगर टोटल गुना करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन जब ऑप्शन मिलेगा फोर तो फोर एट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एट फाइव वन जीरो सिक्स सेंटीमीटर, अब ये क्वेश्चन तो आंसर तो हमको मिल गया, आंसर तो रहेगा हमारा वॉल्यूम में, तो इतना अगर, तो अगर इतना करने का टाइम अगर हमको नहीं रहे तो ये हमको देखना होगा, ये जो मल्टीप्लाई है ये सात पाँच, पाँच से तो कट ही रहा है, ऑप्शन में रहता है इसी तरह से, पाँच से तो कट ही रहा है, क्या ये सात का डिविजल होगा, 100% होगा, क्योंकि 49 से मल्टीप्लाई किया हूँ, सात से काट करके देखो अभी जीरो करेंगे तो सात, सर चौदह, सात से भी कट जाएगा, ग्यारह, अच्छा उतना हमको नहीं देखना, ग्यारह से कट रहा है कि नहीं, पाँच चार कितना हो जाएगा, नौ, आठ एक नौ, नौ में से नौ कितना होगा, जीरो, हम इतना नहीं करते, अगर हमारे पास ऑप्शन रहता तो हम बोलते ये आंसर, क्योंकि ग्यारह यहाँ पे छुपा हुआ है ना, तो ग्यारह का रूल क्या है, समझा चुका हूँ मैं, ग्यारह का रूल क्या है, जैसे ये ही नंबर है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन रहता फोर एट फाइव वन जीरो, तो क्या ग्यारह का नियम क्या बोलता है, अल्टरनेट को पहले जोड़ लो, तो पाँच चार कितना हुआ, नौ, नौ तो नौ ही हुआ, माइनस आठ एक कितना हुआ, नौ, नौ से नौ गए जीरो, अगर जीरो तो यही आंसर हम क्लिक करते हैं, हमको इतना बनाने का जरूरत नहीं है, ये है कंपटीशन का ट्रिक, और मैं पूरा क्लासिफिकेशन दे, ग्यारह का रूल जैसे हमको इतना कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा ना, तो हमको तो आगे बढ़ना है, कंपटीशन बोलता है बाबू बनाओ मत, अपना दिमाग को यूज करो, जैसे अभी मिक्सर एलिगेशन में हम बताए थे, पीडीएफ में ही आंसर बताए थे, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो ये हमको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा एक्यूरेसी भी सही हो जाएगा और ऑप्शन के अनुसार से सही हो जाएगा, खास करके एसएससी तो बहुत चार तो ऑप्शन देगा, बैंकिंग में थोड़ा रहता है लेकिन तब पर भी उस पर भी कर सकता हूँ, तो ऑप्शन रहेगा तो फटाक से मार देंगे, अब रह गया दूसरा क्या पूछ दिया है, कर्व सरफेस एरिया, तो इसका भी फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए सभी, जिसको याद है तो ठीक, नहीं याद है तब पर भी ठीक, दूसरा फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, मेरे प्यारे बालक तथा बंधुओं तथा दोस्त तथा दुश्मन सभी को नमस्कार, दूसरा पहला आ गया वॉल्यूम, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बाबू, सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर वन प्लस आर टू एल, तो हम बता दिए थे पाई के वैल्यू 22/7 है, आर वन इसको जोड़ेंगे तो 28/7 कितना होगा, 35 हो जाएगा, एल का लगभग हम दोनों वैल्यू निकालते 49.5 भी निकाले थे, 49.6 और जो 49.6 ये 50, 50 हम पकड़ लेता हूँ, 7×5=35, और इसको गुना कर देंगे तो 25 कितना हो जाएगा, 5500 यहाँ पे क्यूब होगा, वॉल्यूम है तो क्यूब हो जाएगा, ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस भी हो गया, अब हमको क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, फर्स्ट टर्म ही हम टॉपिक लिए समझाने की कोशिश किए, फर्स्ट टर्म का टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है,
कर्व सरफेस एरिया इसको समझ लीजिएगा। तो कहने का सेंस क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही, ये तो इसका तो वैल्यू में निकाल लिया हूँ तो हम छोड़ देंगे इसको। वैसे मैं फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ, पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जब हम फर्स्ट टर्म बनाए थे क्या होता है, इसका रेडियस कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है, तो कहने का सेंस ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो क्या होगा, पाई आर आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, इसका तो वैल्यू हम निकाल चुका हूँ, इसका वैल्यू कितना है 5500 हम लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे पाई तो कॉमन ले सकता हूँ ना, तो पाई कॉमन लेंगे, तो आर वन पहला आर वन कितना है 28, 28 के स्क्वायर कितना 784, 7 के स्क्वायर 49, इसमें जोड़ेंगे बालक तो कितना होगा, इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 5500 पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इंटू कितना होगा 835। क्या ये 7 से कट रहा है, 3 × 9 = 6, 6 घटाएंगे तो 83 में से 6 जाए कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 होगा ना, 7 से कट जाएगा, 100% कटे। 7 का रूल कितना इम्पोर्टेंट, 11 का रूल कितना इम्पोर्टेंट कर रहे हैं समझ रहे हैं, 7 से कटेगा ही, 7 से काटेंगे तो क्या होगा 8 नंबर 7 8 56, 7 8 56, 7 9 7 8 56, 7 9 63, 7 1 7 एक, 7 1 7 7 1 7 अब 22 का भी नियम बता, इसको डबल कर लो, 119 दुना कितना होगा 238, 238 11 का नियम बता चुका हूँ ना, लिख देता हूँ यहाँ पे 238 इंटू 11 का नियम क्या बोलता है, जो 8 है वो नंबर से लिखते जाओ, 8 जोड़ते जाओ, 8 3 11, 3 2 5 1 6, तो 1 2 ये आ गया, तो 5500 में ये जोड़ देंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 5500 प्लस 2681, इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा उसको 8 1 8 1 1 1 1, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ तीनों फॉर्मूला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक था फर्स्ट टर्म का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन कर दिए। सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपल को कैसे किया था उसको समझाए, उसके बाद फर्स्ट टर्म से एक क्वेश्चन लिए, ये क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व कर लेगा बाकी सिलेंडर जो भी है उस सब को भी जो है सो लगभग सॉल्व कर। बहुत बच्चा नहीं फार्मूला नहीं मालूम रहता, फर्स्ट टर्म होता है कि वह नहीं समझता है, कुछ भी नहीं, एक कौन का ही शेप को बना दिया, कौन का सबको मालूम है लेकिन फर्स्ट टर्म का फार्मूला याद करके नहीं जाता। तो ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।